हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की फिक्स डिपॉजिट एफडी रेट के बारे में बताऊंगा। एयरटेल ने अपना न्यू एफडी रेट जारी कर दिया है। दोस्तों, अगर एयरटेल में आप एफडी करना चाहते हैं तो 8% ब्याज की दर से 2024 में एफडी कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑफर दे रहा है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक से। आप एफडी करने पर एक साल डेढ़ साल की दो साल की एफडी पे 8% का ब्याज दे रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों एयरटेल की एफडी के 8% मिल रहा है या उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो इंटरेस्ट चार्ज जुलाई 3, 2024, मतलब नई दर जुलाई 3, 2024 से लागू हो चुकी है। एक साल तीन महीने तक की एफडी पे 7.75% लगभग 8% का ब्याज दर मिल रहा है। दोस्तों, मान के चलिए 7-8%, लेकिन 7.75% का ब्याज दिया जाएगा। एक साल तीन महीने से लेकर एक साल चार महीने की एफडी पे 7.75% का ब्याज दे रहा है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में एफडी करने पे। और एक साल चार महीने से लेकर दो साल की एफडी पर 7.75%, और मतलब 7.75%। और दोस्तों, एबव दो ईयर टू ब्लो टू ईयर सिक्स मंथ की एफडी पे 7.25%। तो इसमें आपको कम फायदा नहीं है दोस्तों। आप एक एक साल या डेढ़ साल की एफडी करें, कोई दिक्कत नहीं है। दो साल छः महीने से लेकर दो साल सात महीने की एफडी पर 7.25, दो साल सात महीने से लेकर पाँच साल की एफडी पर 7.25, और टैक्स अगर बचाना चाहते हैं अगर पाँच साल की एफडी करेंगे तो 7.25 का ब्याज दिया जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से। तो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको नज़दीकी एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर से मिले, एजेंट से मिले, वो लोग आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल देगा। दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त में अकाउंट खोला जा रहा है और आप अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा भी सकते हैं और एफडी करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं 8% की ब्याज की दर से। तो दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक की फिक्स डिपॉजिट एफडी दर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लास्ट अपडेट पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी को दबा कर रखें। इसी के साथ धन्यवाद।